और यूक्रेन वॉर में रोबोट आर्मी की एंट्री जल्द होने वाली है। मिलिट्री एडवाइजर ग्रुप हेड दिमित्री रोगोजिन का ऐलान सामने आया है कि रूस जल्द फ्रंटलाइन पर तैनात करेगा रोबोट आर्मी। रोगोजिन का कहना है, रोबोट आर्मी क्या है आपको आगे बताएंगे। डोनबास में रोबोट आर्मी तैनात करने की रणनीति होगी। रोगोजिन का कहना है, हमले के साथ साथ दुश्मन का पता भी रोबोट्स लगाएंगे। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि वॉर जोन में अगर रोबोट आर्मी की एंट्री होने वाली तो ये है क्या। रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट दिमित्री रोगोजिन का ऐलान सामने आया है कि फ्रंट लाइन में रोबोट आर्मी की तैनाती जल्द होगी। इसके अलावा डोनबास में यूक्रेन से मुकाबले के लिए रोबोट आर्मी को तैनात किया जाएगा। दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने और निशाना बनाने में ये जो रोबोट आर्मी है वो सक्षम है, सटीक तरीके से निशाना लगाती है। 9.3 मील तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है, रोबोट आर्मी तबाह कर सकती है। रोबोट आर्मी का परीक्षण किया जा चुका है, टेस्ट हो चुका है। और रोबोट आर्मी की एंट्री क्यों हो रही है ये सुर भी बताएं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जंग लंबी खिंचने की वजह से क्या ये फैसला लिया गया है। साथ ही यूक्रेन के साथ जंग में रूस को जिस तरीके से भारी नुकसान के दावे किए जा रहे हैं उसमें इसका ये सहयोग कितना मायने रखता है। फरवरी तक जंग का फैसला पुतिन जरूर लेना चाहते हैं लेकिन उसके तहत जो रणनीति सामने आ रही है उस पर चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि कैसे यूक्रेन के साथ नेटो को सबक सिखाने की कोशिश के तहत भी ये फैसला महत्वपूर्ण है।